रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? ये रेस्टोरेंट हाई क्लास लोग के लिए है और यहाँ का एक ही ड्रेस कोड है, ऐसे कोई भी कुछ भी पहन कर नहीं आ सकता। मैडम मैं कोई भी नहीं हूँ, ये मेरा कल्चरल ड्रेस है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, आप जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर आपको खाना ही खाना है तो जाकर रोड साइड ठेले पर खाइए, जाइए। देखिए मैडम, आप किसी को भी अपने रेस्टोरेंट में ऐसे जाने से मना नहीं कर सकती, ये लॉ के अगेंस्ट है। लॉ मुझे मत सिखाइए, समझे? अगर आपको अंदर ही जाना है तो यहाँ का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, ये लुंगी और कुछ भी पहनकर आप अंदर नहीं आ सकते। अब जाइए, मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे? नहीं। ठीक है। इस रेस्टोरेंट की मैनेजर आप ही हो? जी हाँ। वो मैंने डीएम सर के लिए यहाँ पे एक रिजर्वेशन करवाया था। यस सर, मैं आप ही का वेट कर रही थी। मैंने अपने रेस्टोरेंट के सबसे बेस्ट टेबल रिजर्व किया है उनके लिए। वैसे डीएम सर कहाँ रह गए? वो कार में वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें कॉल कर दिया। हेलो सर। हाँ सर, आपका टेबल रेडी हो गया, आप आ जाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना कि इस ड्रेस में आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। मामी आप क्या बकवास करने जा रही हो? आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हो? इस शहर के डीएम है ये और इन्हीं के लिए हमने रिजर्वेशन करवाई है। क्या? ओह माय गॉड, सब मुझे नहीं पता था कि आप ही डीएम है। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है, आजकल सोसाइटी ही ऐसी है, लोगों को उनके कपड़ों और शक्ल से जज करने का ट्रेंड बन गया है। मुझे इन कपड़ों को पहनने में कोई शर्म नहीं है, ना ही इनमें घूमने में, क्योंकि ये मेरा कल्चर है, ये मेरे कल्चर की पहचान है। ये भारत देश है मैडम, यहाँ अलग अलग कल्चर के बहुत लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी के लिए तो हम भारतीय जाने जाते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग आज तक कुछ समझते ही नहीं। खैर आज तो मैं तुमको छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपने किसी को भी कपड़ों की वजह से इस रेस्टोरेंट पे जाने से रोका तो उसी दिन आपके रेस्टोरेंट में सरकारी ताला लग जाएगा। सब मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। लेट्स सी, देखते चलें अंदर। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.